Click on the subscribe button, press the bell icon and never miss an update. इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार में नई सरकार बनाए जाने को लेकर राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पटना हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि विधानसभा में बहुमत का परीक्षण हो गया है, इसलिए अदालत इस मामले में दखल नहीं दे सकती। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर से बात की। लालू यादव को लगा है कोर्ट से झटका। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कोर्ट के दरवाजे से ही वो अपनी कोशिश में कामयाब रहेंगे नीतीश सरकार को हटाने के लिए। हमारे साथ हैं एडवोकेट जनरल ललित किशोर जी। कोर्ट ने क्या कहा है, क्यों खारिज कर दिया? देखिए, याचिकाकर्ता का मेन ग्राउंड था कि चूंकि याचिकाकर्ता जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं असेंबली में, मतलब कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट बोम्मई केस के अनुसार माननीय राज्यपाल को उस पार्टी को इनवाइट करना चाहिए था गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, परंतु माननीय राज्यपाल ने उनको नहीं इनवाइट कर दूसरे पार्टी को जो इनवाइट किया वो असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल है। हम लोग के तरफ से जो बहस हुई उसमें हुआ कि न तो इन्होंने जो पत्र दिया था राज्यपाल उसमें कोई जिक्र है कि कैसे वो मेजॉरिटी क्लेम करते हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही केवल कहने से तथ्य नहीं होगा। आखिर माननीय राज्यपाल के समक्ष आपको कुछ आधार देना होगा कि आप सिंगल हाउस में मेजॉरिटी कर प्रूव कर सकते। इन याचिका में भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि मेरे पॉलिटिकल पार्टी के अलावे और कौन कौन पार्टी और कौन कौन विधायक हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। माननीय न्यायालय का कहना हुआ कि जब एक बार फ्लोर टेस्ट हो गई, फ्लोर टेस्ट में जिस पार्टी को इनवाइट किया गया था वो मेजॉरिटी साबित कर दिया। अगर माननीय राज्यपाल की निर्णय एक मिनट के लिए गलत भी थी तो आपको मौका था, आप वहाँ प्रूव करते। वहाँ जब आप प्रूव नहीं कर सके, वहाँ जब आपको मेजॉरिटी नहीं है, तो न्यायालय में कहने से क्या होगा? क्यों न्यायालय अब हस्तक्षेप करे जब फ्लोर टेस्ट पर जो उस पार्टी को बुलाई गई और वो अपना मेजॉरिटी साबित कर दिया। तह माननीय न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के अर्लियर जजमेंट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।